दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाते हैं इंडस्ट्री और स्टारों के बीच चल रही हर हलचल भरी खबरों से। और आज ऐसी ही कुछ चुनिंदा खबरें एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं, जिनमें पहली खबर जुड़ी है खेसारी के एक ऐसे गाने से जिसे सुनने के बाद आपकी पूरी बॉडी हो जाएगी डाउनलोड, वो भी इंटरनेट पर। बॉडी को डाउनलोड होते हुए बेशक से आपने कभी देखा ना हो, लेकिन खेसारी ज़रूर अपनी हीरोइनों की बॉडी को डाउनलोड करवा देते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही गाना लेकर हाल ही में सामने आए हैं। ये गाना है दुल्हन गंगा पार के का, जो रिलीज़ हुआ है यशी म्यूज़िक पर ऑडियो सॉन्ग के रूप में। काजल राघवानी के साथ आपको इस गाने में खेसारी दिखाई देंगे, लेकिन फिल्म में या फिर फिल्म रिलीज़ होने के बाद हो सकता है इसका वीडियो सॉन्ग रिलीज़ हो, लेकिन फिलहाल ये गाना ऑडियो सॉन्ग के रूप में ही खूब तहलका मचा रहा है और दर्शकों को पसंद आ रहा है। बॉडी डाउनलोड, ऑटो से जाली और सलाई रिंच से खोले ले, पता नहीं ऐसे ऐसे आइडियाज़ खेसारी के दिमाग में आते कहाँ से हैं, और हमेशा कुछ अलग वर्ड्स को लेकर वो कोई ना कोई गाना बना देते हैं। देखिए, आजकल खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी काफ़ी चर्चे में है और लोग भी इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद करते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा फेवरेट जोड़ी मानी जाती है। और इसी जोड़ी से जुड़ी एक खबर आ रही है, और खबर ये है कि फिल्म दुल्हन गंगा पार का एक गाना जिसके बोल हैं बॉडी डाउनलोड हो जाए, यशी म्यूज़िक पर अपलोड कर दिया गया है और इसे लोगों का खास रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बता दें कि फिल्म दुल्हन गंगा पार के शुरुआती दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी, और इस फिल्म में लोगों को उनकी फेवरेट जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी देखने को मिलेगी ही। और साथ ही साथ खास बात यह है कि इस फिल्म से खेसारी लाल यादव की बेटी कृति भोजपुरी इंडस्ट्री में डब कर रही हैं। बता दें कि इस फिल्म का गाना काफ़ी दिनों से ही चर्चे में बना हुआ था और लोगों को ये गाना सुनने को मिल रहा है। गाना बॉडी डाउनलोड हो जाए शुरुआती दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, और अब इसे यशी म्यूजिक पर अपलोड भी कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली हलचल भरी खबर जो जुड़ी है निधि झा और यश कुमार मिश्रा के साथ। दोनों में अच्छी दोस्ती है, अच्छी बॉन्डिंग है, ये अक्सर देखा जाता है जब दोनों किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कैमरे के सामने लाइव आते हैं। गणेश उत्सव पर जब यश निधि के घर आए थे तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज दिखाई दिए थे, और एक बार फिर से दोनों एक साथ नजर आए हैं एयरपोर्ट पर। दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया, हो सकता है ये कल होने वाले अवार्ड फंक्शन के लिए रवाना हो चुके हैं कलकत्ता। मुंबई से कलकत्ता जाने के लिए दोनों रवाना हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर हाल ही में देखने को मिली है सोशल मीडिया पर भी। दोनों बहुत खुश नजर आए हैं और बहुत एक्साइटेड भी लगे जाने के लिए। निधि बड़े खूबसूरत अंदाज में नजर आई, तो वहीं यश का भी बदला बदला रूप देखने को मिला है। तो दोनों की इसी खुशी भरी तस्वीर पर हम एक खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल यानी 5 मई को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भोजपुरी सिनेमा अवार्ड शो होने जा रहा है, और इस मौके पर भोजपुरी के लगभग सारे स्टार्स पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ होने वाली है ढेर सारी मस्ती। बता दें कि इस अवार्ड शो की चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से चल रही थी और इसे लेकर रोज़ कोई ना कोई खबर सुनने में आ रही थी, और लोग तो इस शो के लिए उत्साहित थे ही, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा उत्साहित हैं भोजपुरी के स्टार्स। बता दें कि अब सिर्फ 24 घंटे बाद शुरू होने वाला है ये अवार्ड शो, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस शो के लिए कई सारे स्टार्स कोलकाता रवाना भी हो गए हैं। और ऐसी ही एक वीडियो देखने में आई है जिसमें यश कुमार मिश्रा, लुलिया गर्ल, निधि झा एक साथ इस शो के लिए रवाना हो रहे हैं, और इसकी खबर खुद यश मिश्रा ने निधि के साथ फोटो शेयर करके दी है, जिसमें दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। निधि और यश की जोड़ी से बनी कई सारी फिल्में आप लोग पहले देख चुके हैं, दोनों की जोड़ी पर कई सारे गाने भी सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से निधि और यश हो सकता है आगे आने वाली किसी फिल्म में आपको देखने को मिले। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री की आइटम क्वीन रह चुकी संभावना सेठ से। संभावना सेठ का जादू एक समय पर भोजपुरी फिल्मों में खूब चला था। फिलहाल कुछ समय से उन्होंने भोजपुरी में डांस करना थोड़ा कम किया या बंद कर दिया आप लोग कह सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो वापसी कर चुकी हैं एक नए अंदाज के साथ। और अभी तक आप लोगों ने उन्हें देख चुके होंगे सौगंध फिल्म में, कुछ दिनों पहले ही वेब म्यूज़िक पर रिलीज़ हुआ है संभावना सेठ की सौगंध फिल्म का आइटम नंबर, जो दर्शकों को पसंद आया है। और अब संभावना एक सीरियल में भी आप लोगों को आइटम डांस करते हुए दिखाई देंगी।
टीवी सीरियल का नाम है अग्निफेरा, जो लोकप्रिय भी है, दर्शकों के बीच में डेली शोप है, तो जाहिर सी बात है 2 बजे से और शाम को महिलाएं ज़रूर देखती हैं सीरियल। तो संभावना सेठ का आइटम नंबर आप लोगों को बहुत जल्द उस सीरियल में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इनके हस्बैंड अविनाश की फिल्म नचनिया भी खूब तहलका मचाए हुए है, जो 18 तारीख को आने वाली 18 तारीख को रिलीज होगी। फिलहाल आप लोग देखिए संभावना के इसी आइटम डांस से जुड़ी ये खास खबर। देखिए आज तक अपने फिल्मों में कई सारे आइटम सॉन्ग्स देखे होंगे, लेकिन क्या कभी किसी सीरियल में आइटम सॉन्ग देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही खबर। बता दें कि एनटीवी के पॉपुलर शो अग्निफेरा में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जबरदस्त आइटम सॉन्ग। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भोजपुरी की सबसे ज्यादा चहेती आइटम गर्ल संभावना सेठ खुद इस सीरियल में आइटम डांस करते हुए नजर आएंगी। बता दें कि इस डांस की शूटिंग जोरों पर है और जल्द ही आप लोगों को ये डांस देखने को मिलने वाला है। बता दें कि सीरियल अग्निफेरा एक भोजपुरिया परिवार और समाज की कहानी और भोजपुरिया लोगों को सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो भी है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि संभावना अपने आइटम नंबर के लिए खासा चर्चे में रहती है और अभी हाल ही में वो फिल्म हल्फा मचा के गैल फिल्म की शूटिंग से भी फ्री हुई है। अब जल्दी सीरियल अग्निफेरा में वो डांस का तड़का लगाती नजर आएंगी। तो 18 तारीख को जो अविनाश की फिल्म रिलीज हो रही है नचनिया, सुनने में आया था कि उसमें भी संभावना का एक आइटम नंबर है, लेकिन कहीं ट्रेलर में या फिर कहीं भी गाने के रूप में वो रिलीज नहीं हुआ है। हो सकता है फिल्म देखने के बाद ही पता चले। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री की जीरो फिगर पूनम दुबे से। पूनम दुबे को हाल ही में आप लोगों ने एक झील में रितेश पांडे के साथ पानी की झील में हॉट सीन और रोमांटिक सीन देते हुए देखा होगा। फिल्म की शूटिंग में दोनों की जोड़ी आप लोगों को नजर आएगी बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल पूनम दुबे का एक फोटोशूट वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद आप अपने आप पर काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूनम दुबे की हॉटनेस और अंदाज दर्शकों पर बड़ी तेजी से जादू चला रही है। तो आप भी उनके फैंस में से अगर एक हैं तो उनके फोटोशूट को ज़रूर देखिए। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो वो आपसे भी ज़रूर जुड़ी होंगी, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पूनम बहुत एक्टिव रहती हैं। और पूनम के इसी एक्टिवनेस से और हॉटनेस से जुड़ी एक खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और साथ ही बदल रही हैं फिल्मों की कहानियां। और जल्दी एक और नई फिल्म लोगों को देखने को मिलने वाली है जिसमें लीड रोल में नजर आएंगी भोजपुरी की हॉट एक्ट्रेस पूनम दुबे। और फिल्म का नाम है देश प्रेमी, जो कि काफी दिनों से चर्चे में है। लेकिन जो इस फिल्म से खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि आजकल पूनम दुबे करा रही है हॉट फोटोशूट, जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि फिल्म देश प्रेमी की शूटिंग जोरों पर है और जल्द ही लोगों को इसका ट्रेलर और टीजर देखने को मिलेगा। और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म में पूनम एक पुलिस के रोल में नजर आएंगी और इस बार पूनम हॉट अदाएं बिखेरती हुई नहीं बल्कि एक्शन और मार धाड़ करती हुई नजर आएंगी। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस फिल्म से जुड़ी फोटोज पूनम अपने फैंस के साथ हमेशा शेयर करती रहती हैं और अपने फैंस के बीच हमेशा चर्चे का विषय बनी रहती हैं इस फिल्म को लेकर। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है एक और हॉट एक्ट्रेस जिनका नाम है मोनालिसा, जो इन दिनों अपने बंगाली लुक से दर्शकों के दिलों पर कहर ढा रही हैं। और आप लोगों ने इन्हें साड़ी में बहुत पसंद किया है, लेकिन हाल ही में इनके बहुत सारे फोटोशूट वायरल हुए जिसमें ये वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई। और आपने देखा होगा शादी के बाद ऐसा सुना होगा कि लड़कियों का वेट बढ़ जाता है और ऐसी तमाम बातें सुनी होंगी आपने, लेकिन मोनालिसा में कोई चेंज देखने को नहीं मिला शादी के बाद भी। इसका सीधा सीधा कारण आप लोग ये समझ सकते हैं कि वो अपनी बॉडी को लेकर, अपने खान पान को लेकर बहुत कॉन्शियस है, बहुत ध्यान रखती हैं, अपने वेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी है। और तमाम फिल्में हैं, तमाम इवेंट्स में नज़र आ रही हैं, इतने व्यस्त होने के बाद भी उनका ध्यान अपने वेट से नहीं हटा है, मतलब फिटनेस को लेकर पूरा ध्यान रखती हैं अपना। और अभी भी उतनी खूबसूरत है शादी के बाद जितनी पहले थी। और इनके इसी खूबसूरती पर और इसी मेहनत पर एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। आजकल हर इंडस्ट्री में एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री का हो। अब भोजपुरी की एक्ट्रेस मोनालिसा की ही बात की जाए तो बीते कुछ समय पहले
उन्होंने अपने प्रेमी विक्रांत के साथ शादी की थी और काफी दिनों से इंडस्ट्री से दूर भी रही थी और इस बात ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब शायद मोनालिसा का हॉट अंदाज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मोनालिसा ने एक बार फिर से इंडस्ट्री में उसी हॉट और फिट बॉडी के साथ वापस आकर लोगों की बोलती बंद कर दी और लोग भी फिर से मोनालिसा की हॉटनेस के कायल हो गए। बता दें कि मोना अपने फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा जागरूक रहती हैं और मौका मिलने पर लोगों को भी फिटनेस के टिप्स देना नहीं भूलती। बता दें कि मोना आजकल अपनी हॉट फोटोशूट में काफी ज्यादा बिजी हैं। तो ये थी आज इंडस्ट्री यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टारों में मच रही हलचल वाली खबरें जिससे हमने आपको रूबरू करवाया है। उम्मीद है आपको काफी सारी जानकारियां भी मिली होंगी। तो ये थी आज के लिए, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ, हलचल भरी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।